बीती रात श्री मनसापूर्ण महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। सावे रोड भोलेनाथ कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर भोग अर्पित किए गए। इसके बाद देर रात तक सैकड़ों रहवासी भजनों पर आनंदित होते रहे। इस मौके पर अन्य धार्मिक प्रस्तुतियां भी हुई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि भगवान शिव के भजनों के दौरान आयोजक स्थल पर अचानक सांप निकल आया, जो खासा कौतूहल का केंद्र बना रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार हम ये भंडारा और भजन संध्या का आयोजन करते हैं। और हमारे आदरणीय विधायक सारा दयालु रमेश जी मंजूला का मार्गदर्शन में कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पूजन करते हैं, भजन संध्या का आनंद लेते हैं। पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 20 अप्रैल को शादी होने वाली थी। संभवतः मंगेतर से मोबाइल पर हुई बातचीत के बाद उसने एक कदम उठाया। ऋषि पैलेस थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में रहने वाली लक्ष्मी पिता रतन लाल 24 वर्ष ने उस वक्त फांसी लगा ली जब माँ बाप रिश्तेदार के घर में गमी में शामिल होने गए थे। आज सुबह भाई अजय जब चाय पीने के लिए बहन को उठाने गया तो फांसी पर लटकी मिली। मृतका की शादी 20 अप्रैल को आर्मी के जवान के साथ होने वाली थी, साथ ही वह पटवारी की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि मृतका के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया है। करते थे हाँ की तैयारी कर रही है पटवारी की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने सुबह क्या देखा था? सुबह देखा मैंने फांसी लगी हुई थी। अच्छा, इनकी शादी होने कब होने वाली थी? 20 अप्रैल। किससे होने वाली थी? कुंदन के साथ। वो क्या कायम है? वो करते हैं आर्मी में। अच्छा, इनको खबर कर दी आपने? हाँ खबर कर दी। क्या इनके पास कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मम्मी पापा को खबर कर दी आपने? उज्जैन नगर निगम की प्रथम महिला महापौर मीना जुनवाल को उनके ही निर्माणाधीन मकान के अवैध निर्माण के चलते जोन क्रमांक 6 के कार्यपालक यंत्री ज्ञानेंद्र जादौन ने मकान तोड़ने के लिए नोटिस थमा दिया। जानकारी के अनुसार महापौर मीना जुनवाल ने बसंत विहार में मकान बनाया जा रहा था, जिसको लेकर यह शिकायत आई थी कि मकान बनाते समय MOS नियम का पालन नहीं किया गया। उच्च स्तर से आई शिकायत के बाद इस मामले में निगम आयुक्त विजय जैन ने कार्यपालन यंत्री जादौन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। जब इस पूरे मामले में महापौर से बात की गई तो महापौर ने बताया कि निगम की कार्रवाई काबिले तारीफ है, अगर कोई भी इस तरह से अवैध निर्माण करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह अपने बचाव में कहा कि मकान का काम नियम से ही हो रहा है। इधर नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन महापौर मान रही है कि उनको नोटिस मिला है। कुछ नहीं है कि बिना NOC वाला विषय कहीं भी नहीं है। जो अतिरिक्त निर्माण की बात हुई है वो भी इतना ज्यादा अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है, उतना ही किया गया है जो कंपाउंडेबल है। क्या कारण है कि नगर निगम की आपकी? नहीं देखिए, इसमें मैं तो ये कहूँगी कि निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी के लिए रहती है, और चूंकि मेरे मामले में भी उन्होंने जो पारदर्शिता अधिकारियों ने बरती है, बधाई के पात्र है वो। क्योंकि देखने में यही आता है कि कोई अगर व्यक्ति विशेष हो तो उसके लिए कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन निगम के सभी अधिकारी यहाँ पे बधाई के योग्य है कि उन्होंने वो साहस भी दिखाया है। सिवनी जिले की घनसौर तहसील में विद्युत विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां घनसौर में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बरोदा में रामकिशोर साहू के द्वारा करीब 3-4 साल से डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा 25 HP की ईटा बनाने वाली मशीन चलाई जा रही थी, लेकिन विद्युत विभाग का कभी इस ओर ध्यान नहीं गया। आज महज औपचारिकता निभाते हुए विद्युत विभाग ने पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें मौके से खाली 150 मीटर वायर को जब्त किया, लेकिन मशीन को वहीं पर छोड़ दिया गया। सोचने वाली बात है कि जब मौके पर भारी मात्रा में विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया तब मशीन को जब्त क्यों नहीं किया गया? लीगल कनेक्शन है, लेकिन अभी वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो रहा था उसका, तो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो रहा था तो जो उसका लीगल कनेक्शन है उस वाले ट्रांसफार्मर से बंद था, तो वो दूसरे लाइन से डाल रखा था, वो गांव की लाइन से डाल रखा था डायरेक्ट। तो इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हो चुकी है ना, उसका पंचनामा बना है, निर्धारण करके फिर उसको जब्ती। क्या क्या हुई है जब्ती में? उसका अभी तार लाने डाल रखा था लाइन से। सिवनी जिले की धुमा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लगभग 37 किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। आरोपी के कब्जे से गांजा और बोलेरो वाहन जब्त कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा NTPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तीसरे आरोपी कहानी निवासी सुनील राजकुमार नामदेव की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए है। खान उम्र 30 साल निवासी कहानी एवं मुस्तकीम और मुंडा पिता मंजीत खान उम्र 40 साल निवासी छपरा दो व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया
एवं एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, सुनील नामदेव, जिनके कब्जे से 37 किलो गांजा जब्त किया गया है। बुरहानपुर जिला इन दिनों अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। खनन माफिया अवैध खनन में इस तरह खनन करने में जुटे हैं कि रेत निकालने के चक्कर में कब्र खोदने से भी नहीं डर रहे। नेपा नगर के ताप्ती नदी पर रोज सुबह से लेकर देर रात तक अवैध खनन का खेल जारी है। खनन माफिया रेत का अवैध खनन कर निर्माण कार्यों में रेत को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। हमारी टीम जब नेपा नगर के अंधारवाड़ी घाट पर पहुंची तो यहां ट्रैक्टरों में रेत भरी जा रही थी। मीडिया को देख खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे थे और किसी भी प्रकार का खनन माफियाओं में भय नजर नहीं आया। तो वहीं नेपा नगर SDM काशीराम बड़ोले धारवाड़ी ताप्ती नदी घाट पर अवैध खनन नहीं किए जाने का कह रहे हैं। कहाँ चल रहा है? अंधारवाड़ी पे। धारवाड़ी में तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कोई अवैध खनन नहीं चल रहा है। हमारे पास कभी सूचना आती है कि यहाँ अवैध खनन चल रहा है तो हम लोगों के द्वारा समय समय पर वहाँ पे भ्रमण किया जाता है जी। इस दौरान अभी कोई हमें ऐसा अवैध खनन करते हुए कोई पाया नहीं गया जी। जब भी कोई अवैध खनन करके पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करता हुए की जाएगा। गुंडारा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अधिकारी को दबाया जा रहा है और संरक्षण करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी आज हमारे संज्ञान में आया है, कुछ साथियों ने कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है और ऐसा हुआ तो बहुत ही जल्दी हम इस काम के लिए अनुभाग खंड अनुभागीय अधिकारी बड़ोले साहब का चुनाव करेंगे और तत्काल अवैध खनन रोकने का। डिंडोरी जिले के महेंद्वानी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत राई के माध्यमिक शाला बालिका छात्रावास राई में पानी का पूर्णतः अभाव है। इस छात्रावास में दर्ज पहली से आठवीं कक्षा के 100 छात्राओं के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए पानी 1 किलोमीटर दूर के कुएं से भरकर लाया जाता है। पानी की व्यवस्था न होने से नहाने कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाने को मजबूर है छात्राएं। सोच के लिए भी बाहर खेतों में जाने को मजबूर है छात्राएं। कभी भी घट सकती कोई भी बड़ी घटना। ग्राम पंचायत राई में नल जल योजना लागू है पर छात्रावास को योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसकी शिकायत छात्रावास प्रबंधन द्वारा पंचायत सरपंच से लेकर विभागीय कार्यालय तक की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि पंचायत ने तो पानी देने से ही इनकार कर दिया। अभी जानकारी में नहीं है मेरे, और अगर ऐसा है तो मैं सीओ साहब से मैं बात करूँगा, जनता से बात करूँगा कि कम से कम पानी की व्यवस्था बच्चों को छात्रावास में करें और इसके लिए मैं BPHC सर जाकर के बोर्ड के लिए रास्ता काफ़ी दुर्गम है, ऐसे परेशानी नहीं होती। सामान लाने ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर बाउंड्री से ही सब लड़कियों के हिसाब से एकांत में हॉस्टल भी है तो बाउंड्री भी बहुत जरूरी होती है। तो सामने नाला भी है, मैंने सामग्री लाने ले जाने में भी क्या कहते हैं टंकी वगैरह सब सिर में ले जाती है। क्यों आपके छात्रावास में व्यवस्था नहीं है पानी की? हमारी मैडम जी ने कनेक्शन बनाया है पंचायत से, लेकिन पंचायत द्वारा पूरी भरपाई नहीं हो रहा है पानी का। फिर और आपके यहाँ कर्मचारी नहीं है पानी लाने वाले? है, लेकिन 100 की होने के कारण पूरी भरपाई नहीं हो रही। उपनगर लालबाग के पास पारस टॉकी क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल मजीद के परिवार द्वारा राशि आवंटित कराकर नजूल भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पड़ोसी डॉक्टर चंद्रशेखर चतुर्वेदी द्वारा CM हेल्पलाइन में करने पर शुक्रवार को अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और PM आवास की राशि से बनने वाले मकान को तोड़ दिया। यहां निगम अधिकारियों की चूक साफ नजर आई के बिना दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन किए राशि को 2 किस्तों में हितग्राही के खाते में ट्रांसफर कर दी गई, जिससे उसके द्वारा अतिक्रमण कर आवास निर्माण कार्य किया गया। इस संबंध में अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी अनिल गंगराड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राहियों के द्वारा आवेदन में मकान की रजिस्ट्री की प्रति लगाई गई और निर्माण नजूल की भूमि पर किया। निगम द्वारा राशि डालने से पूर्व भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। जहां एक और नगर में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में अतिक्रमण की सैकड़ों शिकायतें सामने आ रही है। नगर निगम को चाहिए कि हितग्राहियों के आवेदन के साथ लगे दस्तावेज को पहले भौतिक सत्यापन करें, उसके बाद खाते में राशि ट्रांसफर की जाए। हमने नगर निगम में जाके हमारे पूरे कागजात जमा करा के आए जी। इधर नगर निगम से इसके पापा वापस भी नहीं आए, ये लोग पूरी मशीन लेके हमारा पूरा तोड़ के चले गए। ये नाहक करे इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने पैसा खा के काम करे
पैसा खिलाया गया इन लोगों को, पैसा खा के इन्होंने काम किया। राशि जारी की गई थी, इसे राशि आवंटित की गई थी, इसने गलत दुरुपयोग किया उसका। तो राशि आवंटन से पहले भौतिक परीक्षण नहीं किया गया? परीक्षण किया गया था, इसने बताया था कि बाजू वाला मेरा मकान है यहीं बनाऊंगा मैं, तो इसने सरकारी उनका बना लिया। तो इसका कोई भौतिक सत्यापन नहीं करते? भौतिक सत्यापन किया, जब तो उसका कालम भी खड़े नहीं होती हमने। शिकायत हुई उसके बाद जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शिक्षा वर्ग मोहम्मदपुरा क्षेत्र स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चल रहा 70 वर्षों में आरएसएस का पहली बार जिले में यह शिक्षा वर्ग आयोजित हुआ। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम सिंधी बस्ती क्षेत्र से आरएसएस का पथ संचलन आयोजित किया गया। कटनी कैंप से निकलकर पथ संचलन कदम ताल और बैंड की धुन पर इलाके के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। पथ संचलन का जगह जगह रहवासियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। यह पथ संचलन लालबाग रोड स्थित कृष्णा मंगल परिसर पर समाप्त हुआ। बताया गया है कि आरएसएस के शिक्षा वर्ग का समापन 26 फरवरी को स्थानीय गणेश स्कूल में होगा। मांडव के शासकीय अस्पताल की हालत बहुत खराब है। यहां सालों से एक स्थायी डॉक्टर की मांग को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहां अभी पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने आज अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के गेट पर ताला लाकर अपना आक्रोश जाहिर किया और सरकार से इसका स्थायी समाधान करने की मांग की। मांडव के शासकीय अस्पताल की इस दुर्दशा पर अधिकारी भी गंभीर नजर नहीं आते, किंतु आज की स्थिति को देखकर अब दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मांडव में स्थायी रूप से कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पास के ही नलछा से एक डॉक्टर को अटैच कर रखा है, जो आए दिन नदारद रहते हैं। मामला संज्ञान में आया है कि जेल में कुछ तालाबंदी वाली इस टाइप की कुछ हुई है। अभी सीएमएचओ से मैंने डिटेल में जानकारी लिया है, उसमें सीएमएचओ का कहना है कि वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी पदस्थ उसके द्वारा जो है अभी विगत 2-3 दिनों से वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। सीएमएचओ साहब को डिटेल रिपोर्ट बनाने को कहा है, किन परिस्थिति में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आप कार्रवाई के लिए कहा है और अभी ताला खोल दिया है, डॉक्टर भी पहुंच गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोरी व नकबजनी करने वाले गैंग क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 6 लाख रुपए की राशि के सोने चांदी व जेवरा सहित चोरी के 2 मोटरसाइकिल वाहन बरामद। महिला मित्रों को घुमाने व शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरी। चोरी किए गए जेवरा मणप्पुरम गोल्ड बैंक में लोन के नाम से रखती थी गिरवी।